मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस सीरियल से जुड़ा हूं। शायद यश जी को मेरा काम पसंद आया होगा, इसलिए दूसरी बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। लाइफ ओके पर पिछला शो एक था जुनून, वो भी मैंने किया था, और अब इस शो में महेश्वर शास्त्री, जो एक मंदिर जो है अमरौली का, वहां पर किचन की देखभाल करता है और उसका बेटा है अर्जुन, तो ये मेरा किरदार है। Sharma David, I would just like to say that I feel really fortunate to be a part of this show. And as you have seen, Nagarjun, the title itself says the how huge the show is all about. It's the magnum opus, and I'm sure it's going to excite every one of you. And it's going to be a huge show, a promising show. And I'm playing Bhuva, a little angry Bhuva, which I'm not happy about Arjun being in the family. And the later part of it, which you all are going to watch, and
especially Yash ji, I've been connected with Beyond Dreams for quite some time. I worked with them in the earlier show also, that was Babban versus Vimla Thai, and I did a feature film Kalo with them, and I feel like a family, you know. I mean, they are so sweet, Mr. and Mrs. Yash ji, they are so sweet people, you know, and I really feel very happy and blessed to be here. And from my heart, I have all my best wishes for my entire team to ESG. And thank you, all of you. Thank you. Good evening, everyone. I'm playing the hero in the show. I'm in a uniform, and I respect that. And I personally feel I'm the most positive character in this show. ESG thinks I'm a villain. I don't think so. Main is vardi ki bahut izzat karta hoon. इस पूरे शो में लोग बहुत सी चीजें कर रहे हैं और मैं एक ही आदमी हूं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. सो आई एम द हीरो ऑफ द शो. थैंक यू. हाय एवरीबॉडी, दिस इज पूजा बैनर्जी ओवर हियर एंड आई विल बी प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ नूरी चौधरी. जैसा कि आपने देखा कि ये शो में ड्रामा, एक्शन सब कुछ है. सो बेसिकली माय पार्ट इन दिस शो इज टू ब्रिंग रोमांस. आई एम प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ अर्जुन. थैंक यू. हाय एवरीवन, मैं अंशुमन मल्होत्रा हूँ और मैं अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि आप सबने देख लिया. और मेरा कैरेक्टर बहुत ही सीधा साधा बच्चा है जो कि सब अपने बड़ों की बात मानता है और बहुत पोलाइट है और सब बात सुनता है सबकी. बट कैसे वो इस छोटे से शहर से, जैसा कि मैंने आते ही बोला था कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, कैसे इस के साथ वो माइथोलॉजी के बीच में जाके वो फंस जाएगा और उसका क्या कनेक्शन है वहां से, और कैसे उसकी ये ऑर्डिनरी लाइफ क्या से क्या बन जाएगी और वो कैसे सुपर हीरो बन जाएगा, दैट इज द जर्नी. हाय एवरीवन, मेरा नाम मितांशी गोयल है. चुटकी मेरा रोल है कि मैं स्वीट हूँ, एंग्री हूँ और इंटेलिजेंट हूँ. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कंग्रेचुलेट लाइफ ओके फॉर कमिंग अप विथ सच यूनिक कॉन्सेप्ट्स. इससे पहले भी मैंने लाइफ ओके पे एक शो किया था, दो दिल एक जान, जो कश्मीर बेस्ड था, टेररिज्म पे बेस्ड था, लेट फारूक शेख जी के साथ था. और आज यश पटनायक जी के साथ ये बहुत ही भयानक दिखने वाला बहुत ही बड़ा शो है, जो आई फील इट विल रेज द एंटरटेनमेंट वैल्यू बार्स ऑफ ऑल द ऑडियंस. और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस शो. जो भी मेरे आसपास है सब लोग को, जब भी मैं कहती हूँ मैं नागार्जुन में हूँ, तो कहते हैं कि अरे वाह वो कब आ रहा है शो, अच्छा हमें देखना है. तो काफी उत्सुकता है सबके मन में इस शो को लेकर. और यही बरकरार रखिए आप मीडिया फ्रेंड्स, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप हमें अच्छे से प्रमोट कीजिएगा और इस शो को हिट करना है. हम पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है. ग्लेन अंकुश ने तो जो उनके कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो काले कुले हो गए बेचारे, घर बार छोड़ के इसी शो में लगे हुए हैं. एंड एक बस एक कॉम्प्लेक्स सबको एक इंसान ने दिया है जो है निकेतन धीर. इतने लंबे हैं कि उनके साथ जो भी खड़ा हो जाए सब बौने ही लगते हैं. बस ये बहुत खूबसूरत शो है एंड आई फील दैट एवरीवन शुड रियली वॉच, यूनिक शो है. थैंक यू एवरीबॉडी. आई एम डूइंग मनसा देवी, मनसा देवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ मैं इस शो में, और जो मार्गदर्शक है और बहुत इमोशनल कैरेक्टर है और एक पॉजिटिव कैरेक्टर हैं. तो आई थिंक जब आप शो देखेंगे तो ही मजा आएगा इस कैरेक्टर को देखकर. थैंक यू सो मच.